नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो हम बात करने वाले हैं आप लोगों से, वो CSR के ऊपर बात करने वाले हैं कि CSR का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे ले सकते हैं और क्या काम आता है, और उसका डेमो सर्टिफिकेट भी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये सर्टिफिकेट होता है। बहुत से NGO हैं जो CSR का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये CSR 1 सर्टिफिकेशन ज़रूरी होता है 12A 80G के साथ साथ, ताकि मान लीजिए वो काम कर पाएँ और कॉरपोरेट से या गवर्नमेंट से फ़ंड मिल पाए, ताकि वो अपने NGOs को या अपने काम को, सोशल वर्क को आगे बढ़ा पाएँ। तो ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, मगर गवर्नमेंट ने इसको एक फॉर्मेट के रूप में बदल दिया है और MCA से अब CSR का रजिस्ट्रेशन भी करवाना ज़रूरी होता है, ताकि गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से ट्रैक कर पाए कि कौन सी कंपनी है, क्या काम कर रही है, किस तरीके से कर रही है, या कौन सा NGO है किस फील्ड में काम कर रहा है, और उसके थ्रू भी गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट को मॉनिटर कर पाए। तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है आपको जो दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ये सर्टिफिकेट होता है आपका। ये MCA का वेबसाइट है या MCA का सर्टिफिकेट है जो CSR करने पर मिलता है। और ये देखिए, आपको डेट भी दिया हुआ है एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए कि 19/10 को ये रजिस्ट्रेशन हुआ था। द लेटर इज़ ओनली एन अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटीज़ फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज़। यानी ये जो लेटर, यानी ये सर्टिफिकेट जो दिया गया है, वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप CSR से रिलेटेड एक्टिविटी या CSR से जुड़ा काम जो है वो कर पाएँ। और जो इसमें होता क्या है, जिस कंपनी को ये इशू होता है उस कंपनी का नाम भी दिया रहता है। कंपनी इन द सेंस कि आपका NGO, ट्रस्ट भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, MCA से रजिस्टर्ड सेक्शन 8 का कंपनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ देखिए, टू द पृथ्वी गिरी गौशाला ट्रस्ट, ये गाय के ऊपर, एनिमल के ऊपर काम करते हैं, और इनका एड्रेस जो है 24 गगन नगर बजरंग, देखिए अहमदाबाद, तो अहमदाबाद का है ये सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, जैसे पार्टी का नाम जैसे हमने बताया, और उसका पैन नंबर, उसका पैन नंबर मतलब उसने जो कंपनी बनाया है, जो NGO बनाया है, उस NGO का पैन नंबर, ताकि गवर्नमेंट जो है उसको ट्रैक कर पाए। इस तरीके से ये निकलता है, और इसमें एक आपका रेफरेंस नंबर भी निकलता है, SRN नंबर, जो देखिए जैसे इनका SRN नंबर है F31423585 इंटिटी के लिए, मतलब अगर जो ये काम करेंगे तो वहाँ पे उनको ये रेफरेंस नंबर देना होगा। गवर्नमेंट से कोई काम करेंगे या CSR कंपनी से फ़ंड लेंगे या CSR कंपनी इनको पैसा देगी, तो ये सारा डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। देखिए यहाँ गवर्नमेंट जो चीज़ देती है, इशू करती है, डियर सर एंड मैडम, विद द रेफरेंस टू द एवव इंफॉर्मेशन दैट इंटिटी हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडरटेकिंग द CSR एक्टिविटी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज CSR00393942। ये जो इनका है रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी CSR का जब भी इन ये जब कोई फॉर्म भरेंगे या पैसे के लिए या फंड के लिए, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, यही इनका सर्टिफिकेट नंबर भी माना जाता है। अगर मान लीजिए आपका NGO है और आपने कराया है और बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि नहीं अपना NGO का CSR सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, तो यही नंबर आप दीजिएगा उसमें, और CSR का नंबर है ये CSR00393942। ये दिखाने के लिए हमने एक फॉर्मेट दिखाया आपको, देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज ROC दिल्ली, ठीक है। तो इसका जो काम है CSR का रजिस्ट्रेशन का काम, ये पूरा आपका ऑनलाइन ही होता है और MCA के माध्यम से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के माध्यम से, जहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम होता है वहीं से होता है। तो अगर मान लीजिए आप अपनी कंपनी का या NGO का CSR करवाना चाहते हैं, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, सोसाइटी है तो सोसाइटी का, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का डीड, और अगर MCA में है तो MCA का सर्टिफिकेट, प्लस आपका पैन कार्ड और आपका IT फाइल और आपका आधार कार्ड और आपका NGO का पैन कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। उसके साथ DSC जो होता है डिजिटल सिग्नेचर, ताकि मान लीजिए उसके थ्रू लोग लॉगिन करके ये कॉर्पोरेट MCA के वेबसाइट में एंट्री करके आपका काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपका काम हो सकता है बहुत आसानी से। मार्केट में अभी जो इसका रेट चल रहा है 6,500-7,000 रुपये के आसपास इसका मार्केट में रेट चल रहा है CSR का, मतलब ये काम करके देने का। तो अगर आप NGO हैं और पूरे इंडिया में कहीं भी अपना काम चला रहे हैं, या CSR से जुड़े संबंध किसी चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, या CSR का ये सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं,
तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आपका जो जो डॉक्यूमेंटेशन हमने बताया, अगर आप ये मेल पे भेजते हैं तो 1 से 2 दिन में ये चीज़ होके आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज का जो ये वीडियो है CSR के ऊपर, कि कैसे CSR लें और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए, क्या फ़ीस लगेगा, सारा चीज़ ही हमने एक एक करके इस वीडियो में आप लोगों के लिए बता दिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।